दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ स्टार्ट करूंगा। और क्वेश्चन गिवन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। और पहले पार्ट है उसका, एरिया गिवन क्या है, 25a² - 35a + 12। तो ये अब जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखना होता है, हमने लिखा एरिया इक्वल टू 25a² - 35a + 12 गिवन है। तो अब हम जब इसे फैक्टराइज करते हैं किसको, 35a को, तो 25a² - 20a - 15a, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और ये 20 और 15 मिलके 35 इक्वल टू दिस वैल्यू हो जाएगा प्लस 12। अब जब हम इसे फॉर्म करते हैं तो 5a कॉमन वैल्यू हुआ, और ब्रैकेट में लेते हैं 5a - 4। यूजुअली यहाँ से हमें 3 मिला, और हमें ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला, हम मिला 5a - 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लेंथ 5a - 4 और ब्रेथ 5a - 3 हो सकता है, लेकिन ये वरी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, यानी रिवर्स भी हो सकता है। आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि हमारा ब्रेथ 5a - 4 है तो लेंथ हमारा 5a - 3 हो सकता है, दोनों ही कंडीशन इसमें पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ही सेकंड पार्ट है, एरिया गिवन है 35y² + 13y - 12। तो हम आंसर क्वेश्चन देखते हैं, 35y² + 13y - 12 गिवन है। तो जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं 13y को, तो हम लिखते हैं 35y² + 28y - 15y - 12। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा प्लस की वैल्यू के साथ, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 28 है। तो अब हम जब इसे स्प्लिट करते हैं तो 7y को मैंने कॉमन किया, और ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 5y + 4। यूजुअली हमने यहाँ 3 को बाहर किया, हमें फिर यहाँ मिला 5y + 4। तो हमें जो फाइनल आंसर मिला वो होता है 5y + 4 या 7y + 3। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ में भी 5y + 4, ब्रेथ 7y + 3, या लेंथ में भी 7y + 3 देन ब्रेथ इक्वल टू 7y + 4। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ ओवर होता है। अगले क्वेश्चन के साथ हम नए क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।